गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा होप कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा मैंने जो आपको पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था वो हमारा था बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। इसके ऊपर मैंने वर्क किया था, इसके ऊपर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। और अगर आपको ध्यान होगा यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को हमने फाइंड आउट किया था और एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आई थी वो आपको कैलकुलेट किया था किसी ऑर्बिट के अंदर। ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आती है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आप फाइंड आउट करते हैं, EN इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कैलकुलेट करके आपको बताया था। अगर आपको ध्यान होगा बेटा, इसके बाद हमने जो अगला कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ से कैसे करके हम जो एनर्जी है लाइक दिस वन कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हो गया या सेकंड बोहर ऑर्बिट हो गया या थर्ड बोहर ऑर्बिट हो गया या फोर्थ बोहर ऑर्बिट हो गया, हाइड्रोजन एटम के लिए उस एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा तब मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बना था। ये मैंने यहाँ भी लिखा है। यहाँ से हमने जो फर्स्ट ऑर्बिट है एन की वैल्यू अगर 1 बनती है तो E1 की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आया था -13.6 हो गया। या अगर मान लो 2 अगर लिया, 3 लिया, 4 लिया तो रिस्पेक्टिवली -3.4, इसके बाद -1.5 हो गया, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके बेटा हमारे पास जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी बन रही थी डिफरेंट ऑर्बिट में इधर 1, 2, 3, 4 वो एनर्जी हमने निकाल दी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो एनर्जी आपने यहाँ पे निकाली है ये लगभग सभी बच्चों को याद हो जानी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, सेकंड ऑर्बिट में कितनी है, थर्ड में कितनी है, और वो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को बेस मान करके हम इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब लेट अस मूव। अब इसके बाद जो आज का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ बेटा, उसका जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे। और वो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक हमारे पास है, इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। और आज जो टॉपिक आपको बताऊंगा इसमें हमारे पास जो आपको कैलकुलेट करना है, जो हमारा टॉपिक है दिस वन, लेसन हमारा था दिस वन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, और हमारा जो टॉपिक बना दिस वन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है इसके अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। और एनर्जी कहाँ पे निकाल रहे हैं, इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट के अंदर हम एनर्जी निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी हमने निकाली उस एनर्जी को अगर हमने लिखा तो EN इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतना हमने कैलकुलेट किया था बेटा, ध्यान देंगे। यहाँ से रिस्पेक्टिवली हमने जो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ ऑर्बिट हो गया, इनके लिए हमने एनर्जी निकाल दी। अब अगर मान लो आप किसी दूसरी स्पीशीज के लिए अगर आप या किसी दूसरे आयन के लिए अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो तब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी फॉर अदर स्पीशीज
और आयंस बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एनर्जी को यूज करके किसी दूसरी स्पीशीज के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करके बेटा कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दिस वन इज, अगर आपको किसी दूसरी स्पीशीज के लिए एनर्जी निकालनी है, सो ई इक्वल टू जो बनेगा, यहाँ लिखेंगे एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और इनटू करेंगे जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अब जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला बेटा मैंने कि अगर अब आप क्या करते हैं, एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो एनर्जी कैसे करके निकालेंगे बेटा आप, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना, दिस वन ई इक्वल टू बनेगा ई एच और इनटू क्या लिख दिया आपने, जेड स्क्वायर। जेड सभी बच्चों को पता है एटॉमिक नंबर है, या न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं। अब इसको बेस मान करके अगर मान लो मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ मैं लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, दिस वन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन के लिए आपने क्या करनी है, एनर्जी निकालनी है, और वो भी कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास, थर्ड बोहर ऑर्बिट है। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ थर्ड बोहर ऑर्बिट है और हमारे पास आयन कौन सा है, हीलियम है। इसलिए अगर आप इसका आंसर अगर आप लिखेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखूँगा इफ हीलियम प्लस आयन, सो दैट इन दिस कंडीशन जेड बराबर जो बनेगा वो बनेगा टू। जेड कितना बनेगा बेटा, जेड बन जाएगा टू। फॉर्मूला यूज़ करेंगे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर, मतलब ई थ्री लिख देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और इनटू क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर करेंगे। मतलब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो अगर आप यहाँ से ई थ्री अगर आप निकाल लें, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो आप थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की एनर्जी की अगर बात करते हैं, तो वो जो एनर्जी आती है वो आती है -1.5, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर N1 था तो एनर्जी थी -13.6, इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस वन एनर्जी, ठीक है। और अगर N2 था -3.4, अगर N3 है तो एनर्जी कितनी है, दिस वन -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर N4 है तो -0.85 वोल्ट। ये ऐसे करके एनर्जी मैंने आपको पहले बता ली थी। तो अगर मान लो E3 की अगर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए थर्ड के अंदर जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, 1.5, और इनटू क्या कर देंगे, जेड। जेड कितना आया हीलियम के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए, जेड बना टू, टू का हो जाएगा स्क्वायर। दैट्स वाई ये बनेगा -1.5 इंटू फोर, और 15 जा ये बन गया आपका, ये माइनस में आएगा, और ये बन गया आपका 6 हो गया, और 6 पॉइंट करके क्या बनेगा, 0 बनेगा, और इतना आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिख दिया बेटा हमने इसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर एटम करके हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का क्या बन गया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे करके आपने एनर्जी को फाइंड आउट किया, आपको क्या फाइंड आउट करना था, एनर्जी निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस साइन। तो इसमें आपने सबसे पहले जेड को फाइंड आउट किया कि हीलियम प्लस आयन के लिए जेड कितना बनेगा। आपने देखा कि जेड इसका जो बना, इट जस्ट इक्वल टू, ये कितना बन गया, टू बन गया। हमने क्या करना है, अगर किसी दूसरी स्पीशीज के लिए, यहाँ आप किसके लिए निकाल रहे हैं,
फॉर हीलियम प्लस आयन के लिए क्या निकाल लें, एनर्जी निकाल लें। दैट्स वाई ई एच लिखा आपने, हाइड्रोजन की एनर्जी को लिखा। हाइड्रोजन की एनर्जी जो थर्ड बोहर ऑर्बिट होता है उसके लिए कितनी बनती है, -1.5 बनती है, इंटू क्या बनेगा, जेड का स्क्वायर। जेड कितना हो गया इसके अंदर, दिस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, तो 15 × 60 हो गया, मतलब पॉइंट का वन हो गया। दैट्स वाई -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस मूव, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर वर्क करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बनेगा, थोड़ा समझेंगे आप इसे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं यहां पे लिखता हूं, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकंड बोहर ऑर्बिट फॉर एन एलिमेंट हैविंग हैविंग एटॉमिक नंबर 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, या इसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी, फिर आएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर सेकंड बोहर ऑर्बिट। ध्यान देंगे यहाँ पे सेकंड बोहर ऑर्बिट बोला जा रहा है, और सेकंड बोहर ऑर्बिट अगर बोला जा रहा है किसके लिए निकालना है, फॉर एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। अगर भाई एटॉमिक नंबर अगर 10 होगा तो उस कंडीशन में कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर इसने क्या दिया है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो कि बराबर कितना हो गया, जेड हो गया, और जेड बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, 10 समझ में आ गया। अब आपको निकालना टोटल एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि अनटिल और अनलेस, जब तक गिवन नहीं है तब तक टोटल एनर्जी ही अपने आप में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, मतलब जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी बराबर क्या बनेगा, दिस वन एनर्जी ई एन, और कौन से ऑर्बिट के लिए बोला है, फॉर सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो ई टू आप इसे लिख सकते हैं, या लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, इनटू करेंगे जेड का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और सेकंड बोहर ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवा दिया कि अगर मान लो एन टू अगर है तो जो एनर्जी बनेगी वो एनर्जी कितने की बनेगी, -3.4 की बनेगी। अगर ये एनर्जी -3.4 की बनती है तो यहाँ लिखेंगे -3.4 हो गया, इनटू क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जेड कितने, 10 हो गया, 10 के स्क्वायर हो गया। यहाँ जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि एनर्जी आप निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बनेगी। दैट्स वाई ये कितना बनेगा, ये 100 हो गया, और ये 3.4 जो बराबर कितना बनेगा, 340, ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और इतना बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे करके हमने टोटल एनर्जी को निकाला। टोटल एनर्जी ही अपने आप में क्या होती है, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर, कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास, यहाँ जो ऑर्बिट ये बता रहा, दिस वन सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, जो एनर्जी आपने वहाँ से निकाली विद द हेल्प ऑफ, बाई यूजिंग द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एनर्जी को यूज़ करके आपने क्या किया, यहाँ से जो सेकेंड बोहर ऑर्बिट है उसके लिए टोटल एनर्जी निकाली, और ये एनर्जी कितनी बनी, इट जस्ट इक्वल टू -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी पर एटम में एनर्जी बन गई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया, इसका पार्ट जो बना वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है सेकेंड वन काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ इसका सेकंड पार्ट बनेगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये टोटल एनर्जी का क्या होता है, नेगेटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। क्या लिखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी ये आपको फाइंड आउट करनी है, एंड मैं लिखूँगा काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी,
ये टोटल एनर्जी का क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ये टोटल एनर्जी का नेगेटिव है, दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या बनेगा, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी किस में आती है, ये नेगेटिव के अंदर आ रखी है, और इसका क्या बना, नेगेटिव बना। दैट्स वाई हमारे पास, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में आती है, दैट्स वाई हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ गया। और टोटल एनर्जी कितनी थी, -340, ये इतना है, दिस वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर था, जो बराबर ये प्लस में आएगा और कितना बनेगा, 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस वन इज़ काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बनी बेटा ये, इसे नाम दिया हमने काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैसे करके निकालना, ये आपको बहुत क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पार्ट इसके अंदर बनता है उसे नाम दिया जाता है दिस वन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है, इट इज़ द क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है, दैट्स वाई जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बराबर क्या बनेगा, 2 into टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी किस में आई थी, हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ रखी है, दैट्स वाई 2 हो गया और इनटू करके -340 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दैट्स वाई अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, मतलब दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, जो हमारे पास टोटल एनर्जी था उसका डबल अगर आपने किया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर जो टोटल एनर्जी था अगर उसको हमने क्या किया, उसका नेगेटिव अगर लिया तो वो किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो गया। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी किस में नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू के साथ में काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू के साथ में आएगी। दैट्स वाई हमारे पास ये क्या बन गया, दिस वन काइनेटिक एनर्जी, दिस वन पोटेंशियल एनर्जी, और इससे पहले मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी आई थी वो हमारे पास आई थी दिस वन -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, नाउ लेट अस मूव, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो स्टार्ट करेंगे, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थोड़ा इसे समझें आप क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 आयन टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 आयन। ध्यान देंगे बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बी प्लस 3 आयन टू फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ एल आई प्लस 2 आयन। जब भी बेटा हमारे पास ऐसे एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए और रेशो निकालने वाला क्वेश्चन अगर आता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल वो फॉर्मूला आपको याद रखना है और उस फॉर्मूला को बेस मान करके आपका आंसर बनेगा। यहाँ लिखा जाता है बेटा E1 by E2 जो बराबर बनता है Z1 का स्क्वायर बनता है Z2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हमारे पास ये ध्यान देंगे, एक हमारे पास बी प्लस 3 आयन है बेटा, दूसरा हमारे पास दिस वन एल आई प्लस 2 आयन, एक लिथियम प्लस 2 आयन है, दूसरा बी प्लस 3 आयन है। अगर मान लो बी प्लस 3 आयन की अगर बात करें
तो जेड की अगर बात करें तो जेड इसका फोर बनता है। अगर मान लो यहाँ मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के लिए जो जेड बनता है इट जस्ट इक्वल टू थ्री। अगर यहाँ एन की अगर बात करें तो इसके लिए एन वन, क्योंकि हम एन वन एन टू का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ इसे जेड वन लिख देता हूँ, इसे जेड टू इसे लिख देंगे। एन वन जो बनेगा वो एन वन कितना बन रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट। क्या बोला जा रहा है, एन वन इक्वल टू कितना बन गया, थर्ड बन गया। यहाँ जो एन टू बनेगा वो कितना बोला जा रहा है, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। दैट्स वाई यहाँ कितना बन गया, फिफ्थ बन गया। अब आपके पास जेड वन भी आ गया, जेड टू भी आ गया, एन टू आ गया, एन वन आ गया। दैट्स वाई यू हैव टू पुट द वैल्यू। यहाँ क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे। किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं, नाउ यहाँ लिया बेरिलियम हो गया प्लस थ्री आयन, कौन सा ऑर्बिट है इसका, थर्ड हो गया। बाई रेशो ले रहे हैं किसका, दिस वन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस टू आयन, दिस वन एल आई प्लस टू आयन, और कौन सा ऑर्बिट इसका ले रहे हैं, फिफ्थ। दैट्स वाई जेड वन, जेड वन कौन सा है, दिस वन फोर, फोर का स्क्वायर हो गया। बाई जेड टू थ्री का स्क्वायर हो गया, एन टू क्या करेंगे बेटा, एन टू, एन टू कितना है, दिस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर हो गया। भाई एन वन कितना बन गया, थ्री का स्क्वायर हो गया, जो बराबर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ जो रेशो आपने निकाला ये आ गया आपका 16 हो गया, इनटू बेटा ये 25 हो गया। यहाँ नीचे अगर आप इसे लिखते हैं तो ये 9 हो गया, और इनटू कितना हो गया, 9। दैट्स वाई अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई आपने किया तो ये वैल्यू जो बनेगी बेटा इट जस्ट इक्वल टू 16 5 जा करके और यह 25 करके अगर आप करेंगे तो ये आपका 400 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 81। सो दिस इज़ द आंसर। ये हमारे पास क्या बन गया, रेशो बन गया। किसका रेशो बन गया, कि जो हमारे पास थर्ड बोहर ऑर्बिट है किसका, बेरिलियम प्लस थ्री आयन, और दूसरा फिफ्थ बोहर ऑर्बिट है लिथियम प्लस टू आयन। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका क्या बन गया, आंसर बन गया, कैसे करके आपने इसे सॉल्व किया। ठीक है बेटा, आशा करते हैं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उसके ऊपर वर्क करेंगे। अगला जो टॉपिक है बेटा हमारे पास वो आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन। किसी भी ट्रांजिशन में एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है या एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करके आप उसे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा समझे आप इसे, कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास एनर्जी लेवल को मैं ड्रॉ करता हूँ, एक एनर्जी लेवल ये, एक एनर्जी लेवल ये है, इसकी एनर्जी E1 की है और इसकी एनर्जी जो है वो E2 की है, या ये अपने आप में लोअर ऑर्बिट है और ये अपने आप में दिस वन हायर ऑर्बिट। ठीक है बेटा, एक लोअर ऑर्बिट बना और एक हमारे पास क्या बना, हायर ऑर्बिट बना। लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट के लिए कैसे करके यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब। भाई इलेक्ट्रॉन जो है अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्राउंड स्टेट से किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मतलब जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब लिखेंगे तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, एरो को बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे दिस वन एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है बेटा, या अगर मान लो आपने इसे ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस वन, ये ऐसे करके ड्रॉ किया आपने, यहाँ लिखेंगे E1 हो गया, यहाँ लिखेंगे E2 हो गया, ये लिखेंगे लोअर ऑर्बिट हो गया, ये लिखा आपने हायर ऑर्बिट हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ जंप कर रहा है टॉप टू, या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, ठीक है बेटा, तो इसी कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या करेगा ये, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक में एनर्जी को रिलीज कर रहा है।
एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज जब भी बोला जाता है, बहुत क्लियरली ध्यान से दें कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिखेंगे बेटा एनर्जी रिलीज्ड, तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज्ड को हमेशा इक्वल टू हम इसे डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बेटा? डेल्टा ई के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। और अगर ये डेल्टा ई के द्वारा आप इसे डिनोट करते हैं तो उस कंडीशन में जो डेल्टा ई आता है, दिस इज द डिफरेंस, इस डिफरेंस को निकालने का एक तरीका है कि जो हायर एनर्जी होती है ई टू, उसमें से हायर में से क्या करते हैं, बहुत जरूरी नहीं ई टू, हो सकता है ई थ्री हो, ई थ्री से इलेक्ट्रॉन ई वन में आ रहा हो या ई वन से इलेक्ट्रॉन ई फोर में जा रहा हो, कहीं भी आप बता सकते हैं इसे। इन दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी आप इसको डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई निकालेंगे, तो ई टू माइनस क्या बनेगा, ई वन। और ये जो डेल्टा ई है ये अपने आप में एनर्जी एब्जॉर्ब भी इसे बोल सकते हैं और इसे एनर्जी रिलीज्ड भी इसे बोलते हैं, ठीक है बेटा। या मैं इसे और लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई इक्वल टू बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी ऑफ हायर जो ऑर्बिट है उसमें से क्या करेंगे, जो एनर्जी है जो लोअर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, कैसे करके हमने एनर्जी को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है बेटा। हायर एनर्जी में से क्या करेंगे, हायर एनर्जी या हायर ऑर्बिट की एनर्जी में से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा कि यहाँ हमारे पास E2 की एनर्जी और E1 की एनर्जी, ये आपको पहले से पता है, तो इसका मतलब डेल्टा E अगर आप निकालना चाहते हैं तो डेल्टा E इक्वल टू जो बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू, यहाँ एक पेन लेके आता हूँ, यहाँ बेटा जो आप एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा E जो बनेगा, यहाँ A2 की जो एनर्जी बनती है माइनस, पहले सिखा रहा था 13.6 हो गया और इनटू करके क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर हो गया, और यहाँ नीचे लिख देंगे दिस वन एन टू का स्क्वायर लिख देंगे, एक एन वन था दूसरा एन टू, ये इतना लिख दिया बेटा हमने, दिस वन ई टू, इसमें से माइनस करेंगे, और ई वन की एनर्जी, ई वन की एनर्जी माइनस 13.6 हो गया, इनटू हो गया, यहाँ लिखेंगे जेड स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, दिस वन एन वन का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ अगर आपने क्या किया कि ये माइनस ले लिया तो ये माइनस से प्लस बनेगा, ये एन वन जो है वो प्लस का आ जाएगा, एन टू जो है नेगेटिव करेगा। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ इस प्लस वाले को 13.6 इंटू जेड स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेता हूँ, दैट्स वाई डेल्टा ई अगर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे बेटा 13.6 इंटू और जेड स्क्वायर, इसको आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और ये n1 जो था वो अपने आप में पॉजिटिव का था, दैट्स वाई यहाँ लिख देंगे n1 का स्क्वायर माइनस करके, क्योंकि ये तो माइनस का ही है, 1 बाई क्या करेंगे n2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया और ये हमारे लिए एनर्जी कैसे करके कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन गया, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी। एंड दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमने क्या किया यहाँ पे, जो इधर चाहे ये बोला जाए कि एनर्जी एब्जॉर्ब बोला जा रहा है, चाहे एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है, बट इन बोथ कंडीशन जो फॉर्मूला बना वो बना, ध्यान रखेंगे यहाँ 13.6 पॉजिटिव का आ रहा है, नेगेटिव नहीं लिखेंगे, 13.6 हो गया इंटू जेड स्क्वायर हो गया, इसके बाद 1 बाई एन वन का स्क्वायर हो गया माइनस 1 बाई एन टू का स्क्वायर। इतना याद रखेंगे कि जो n1 है वो n1 जो है वो स्मॉलर है, जो n2 है वो अपने आप में दिस वन ये लार्जर है, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। कौन n1 है कौन n2 को कैसे करके फाइंड आउट किया आपने, जो स्मॉल है वो n1 है और जो लार्जर है जो बड़ा है वो क्या है, दिस वन n2, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा
दिस विल कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन, टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम प्लस टू आयन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ Li प्लस टू आयन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, इसमें सबसे पहले समझना क्या आपने, हमें क्या समझना जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमें क्या चीज़ समझनी सबसे पहले कि इसने क्या बोला कि हमारे पास लिथियम प्लस टू आयन है, दियर इज लिथियम प्लस टू आयन। तो जेड की अगर बात करें तो जेड की वैल्यू जो बनेगी इट जस्ट इक्वल टू थ्री। जेड कितना बना, इसका थ्री बन गया। और फिर ये बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट, अगर ये ग्राउंड स्टेट बोल रहा है इसका मतलब जो एन वन है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो ग्राउंड स्टेट होती है वहाँ पे एन वन कितना होता है, वन होता है। और फिर आपको अगला कंसेप्ट आया यहाँ पे, दिस वन इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो एन टू बनेगा, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बनता है तो एन टू जो बनेगा जितना भी लिखा जाता है उससे एक बढ़ा करके लिख देते हैं। थर्ड एक्साइटेड स्टेट अगर बोला तो एन टू कितना बनेगा, फोर बनेगा। अब आपके पास एन वन आ गया, एन टू आ गया, जेड आ गया, फॉर्मूला आपके पास है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, आपको एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी आपको कौन सी निकालनी है, एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी को क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब डेल्टा ई आपको निकालना है। यहाँ लिखेंगे 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, जेड कितना हो गया, थ्री का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ब्रैकेट लिया, वन बाई एन वन, एन वन कितना है, वन है, वन का स्क्वायर, माइनस करके क्या लिखेंगे, वन बाई एन टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, ये ऐसे बना दिया, दैट्स वाई ये बना 13.6 हो गया। यहाँ ये नाइन आ गया बेटा, अगर आप इसको यहाँ लिखेंगे तो वन बाई ये वन लिख दिया, माइनस वन बाई कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं 1 और 16 का, तो एलसीएम लेने के बाद जब आप इसने सॉल्व किया आपने से, तो 13.6 हो गया इंटू 9 हो गया, ये 16 माइनस 1 करके कितना आ जाएगा, 15, और 15 बाई कितना बनेगा, 16 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आंसर जो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आएगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा तो इसका जो आंसर बनेगा अप्रॉक्स 115, इतना क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपको इस क्वेश्चन का क्या बनेगा बेटा, आंसर बनेगा, एंड विच वन इज डेल्टा ई, ठीक है बेटा। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने आपको बताया वो आपको बहुत क्लियरली आपके समझ में आया होगा, दैट हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, कैसे करके आप एनर्जी रिक्वायर्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव बेटा, अब चलते हैं इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, अगला टॉपिक मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे दिस वन इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या लिखेंगे बेटा, नाउ जो हेडिंग हमारी बनी, दिस वन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बेटा हमारे पास ये हेडिंग बनी हमारी, एनर्जी लेवल डायग्राम है, और इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप कैसे करके इसको ड्रॉ कर रहे हैं थोड़े से समझेंगे आप। मैंने आपको अभी तक E1, E2, E3, E4, E5 या जो भी हैं हम एक फॉर्मूला दिया, वहाँ से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें आपको एक ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं कि वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मतलब वो जो ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी सबसे कम है
उसको हम सबसे बॉटम में लिखते हैं, और बाकी के जो हमारे पास ऑर्बिट हैं जिनकी एनर्जी हायर है उनको हम उससे ऊपर लिखते हैं। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोला मैंने, वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है या लोएस्ट जिसकी एनर्जी है उसको सबसे बॉटम में लिखा जाता है, और उसके बाद बाकी के जो ऑर्बिट हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है उसके ऊपर लिखा जाता है या उसके ऊपर उनको ड्रॉ किया जाता है। कैसे करके, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है ना बेटा, इस न्यूक्लियस के बाद ये मान लो ऐसे करके मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, या ये E1, E2, E3, E4 और अप टू ये इनफाइनिट तक अगर मान लो जा रहा है, E इनफाइनिट हो गया है ना, तो यहाँ पे N इनफाइनिट को अगर मैं ले रहा हूँ तो ये कंडीशन में आपको बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो E1 है ये बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियस के नज़दीक है उसको हम बॉटम में ड्रॉ करते हैं, और इसके बाद जब एनर्जी बढ़ रही है तो उनको उसके ऊपर लिखा जाता है। तो देखो आप कैसे करके, मैं इसको पहले लिख देता हूँ कि ऑर्बिट ऑफ, क्या लिखूँगा बेटा, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज प्लेस्ड एट द बॉटम। उसे कहाँ रखा जाता है, बॉटम में रखा जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। द सेकंड वन एंड अदर ऑर्बिट हैविंग एनर्जी हायर देन द लोएस्ट एनर्जी आर प्लेस्ड अबव दिस, मतलब सबसे नीचे आपने वो रखा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उस ऑर्बिट को रखा, और उसके बाद जिस ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जा रही है उसको आप ऊपर रखते जा रहे हैं। देखो अब यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे करके बेटा ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस वन, यहाँ से हमने क्या किया, ये ऑर्बिट हमने ड्रॉ कर दिया, दिस वन E1, मान लो ये E1 है, यहाँ से ड्रॉ करेंगे दिस वन E2, यहाँ से ड्रॉ करो दिस वन E3, यहाँ आ जाएगा E4, यहाँ E5 हो गया, या आगे अगर आप इसे लिख रहे हैं इसे E6 हो गया, एंड सो ऑन आगे तक अगर आप ले जा रहे हैं इसे दिस वन अप टू E इनफाइनिट। सभी को ध्यान होना चाहिए इनफाइनिट पे एनर्जी कितनी होगी, 0 की होगी, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे E1 की एनर्जी, अगर आप हाइड्रोजन की अगर बात कर रहे हैं, हमारे पास जो हेडिंग आई है दिस वन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, और इसमें अगर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि अगर आप एनर्जी की अगर बात करें, E1 की एनर्जी जो बनती है जस्ट इक्वल टू 13-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या E2 की अगर बात करें तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E3 की अगर बात करें तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E4 की अगर बात करें तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या अगर मान लो E5 भी निकालते हैं तो बेटा ये वैल्यू जो बनेगी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इनकी बनती है, ठीक है। ध्यान देंगे कि कैसे करके आपने यहाँ से जो एनर्जीज हैं फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद ये एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अगर E1 है तो एनर्जी कितनी आई, E2 है तो एनर्जी कितनी बनी, E3 है तो एनर्जी कितनी बन रही है, E4 है तो एनर्जी क्या बनी, E5 है तो एनर्जी क्या बन रही, एटसेट्रा एंड सो ऑन, E6, E7 या अप टू इन्फाइनिट की अगर बात करें तो ये एनर्जी कितनी बनी, इट जस्ट इक्वल टू 0 बन गई। अब यहाँ अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एनर्जी का डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करते हैं, मान लो हमारे पास E1 और E2 है, अगर आप यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं तो ध्यान देंगे
इन दोनों के बीच में मतलब एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हायर में से लोअर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कंसेप्ट था हमारे पास E2 माइनस E1। अगर आप E2 माइनस E1 करते हैं तो मतलब 13.6 पॉजिटिव का बन जाएगा, उसमें से 3.4 को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आंसर जो बनता है बेटा, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनता है 10.2। मतलब E1 हो गया और E2 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर आप E1 हो गया और E3 के बीच का अगर आप डिफरेंस अगर देखें तो बेटा ये वैल्यू बनती है 12.1 की बनती है। या अगर आप ये डिफरेंस और निकालो, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, E3 में से क्या कर देंगे, E1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हायर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बड़ी वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगी तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। या अगर आप क्या करना चाहते हैं, E3 के बजाय E4 से कहाँ पे आ रहे हैं आप, E1 में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, इन दिस कंडीशन जो ये वैल्यू बनेगी इट जस्ट इक्वल टू 12.75, यहाँ भी डिफरेंस बनेगा। या अगर मान लो E2 और E3 के बीच की डिफरेंस अगर आप देखें, ये E2 हो गया और ये हमारे पास E3 बन गया, इसके जो डिफरेंस बनता है बेटा ये 1.9 का बनता है। अगर मान लो आप E2 और E3 का E4 का डिफरेंस अगर देखें, E2 हो गया और E4 का डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जो डिफरेंस बनता है 2.55 का बनता है बेटा। या अगर मान लो आप यहाँ से लेकर के मतलब टोटल जो इन्फाइनिट एनर्जी है, या इन्फाइनिट की एनर्जी वहाँ से लेकर के, इन्फाइनिट की एनर्जी से लेकर के, और अगर आप E1 में ग्राउंड स्टेट के अंदर आते हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, हायर जो है हमारे पास E इन्फाइनिट है और उसमें से क्या करेंगे, जो लोअर है वो क्या है हमारे पास E1 है। दैट्स वाई E इन्फाइनिट माइनस क्या बनेगा, E1 बनेगा, और ये वैल्यू जो बनती है इट जस्ट इक्वल टू 13.6। ध्यान देंगे यहाँ पे ये वैल्यू जो बनी वो कितने की आई, 13.6 की बनी। अगर मान लो आप E3 और E4 का डिफरेंस अगर आप निकालना चाहें बेटा तो E3 E4 का जो डिफरेंस आएगा ये बनता है 0.65 बनता है। कितना बनता है बेटा, 0.65। और अगर मान लो आप ये सारा डिफरेंस, मान लो आप इनफाइनिट से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, E2 के अंदर आ रहा है, तो इनफाइनिट से इलेक्ट्रॉन अगर E2 में आएगा तो ये जो डिफरेंस बनता है इट जस्ट इक्वल टू कितना बनेगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनेगा। ये डिफरेंसेस, यही कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी लेवल डायग्राम से हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी एनर्जीज है उनके बीच में जो डिफरेंस बन रहा उस डिफरेंस को आपने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मिनिमम एनर्जी टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी बनेगी, तो ध्यान देंगे मिनिमम ये बनेगी 1 से 2 में जाने वाली, तो क्या बोलेंगे, अगर आपने क्या किया, मिनिमम एनर्जी अगर आप निकाल रहे हैं, मिनिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जंप करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे जंप करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा। एक तो एब्जॉर्प्शन है और एक दूसरा क्या हमारे पास रिलीज कर रहा है, या एमिशन जिसे बोलते हैं। तो मिनिमम एनर्जी टू एक्साइट, अगर मैं यहाँ लिख दूँ एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम एनर्जी कितने की बनेगी बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बनेगी। और अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में मैक्सिमम कितने की बनेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बनेगी। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप क्या बोला जा रहा है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। मिनिमम बनेगी बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से नीचे आ रहा है या यहाँ से ऊपर जा रहा है, और मैक्सिमम जो बनेगी E1 से इन्फाइनिट में जा रहा है या इन्फाइनिट से किस में आ रहा है, E1 में आ रहा है, ये मैक्सिमम की बनेगी। इसलिए 13.6 की बनी और ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बनी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया। यहाँ एक कंसेप्ट आपको और ध्यान देना है, अगर आपको ध्यान होगा बेटा कि हमारे पास वी हैव अ रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अगर बेस माने, E इक्वल टू एच न्यू, एक ये फॉर्मूला था। मतलब हमने क्या बोला कि जो E है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है, ध्यान से सुनो हाँ। या दूसरा हमारे पास यहाँ एक दूसरा पार्ट क्या बनता है, अगर इसे आप चेंज करते हैं तो E इक्वल टू बनेगा एच सी बाई लेमडा बनता है। ठीक है बेटा, दोनों फॉर्मूलाज आपको बता रखे बहुत क्लियरली। यहाँ पे एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रिक्वेंसी की है।
जबकि जो वेवलेंथ और एनर्जी के बीच जो है जो रिलेशन बनता है वो एक दूसरे की इन्वर्सली है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ कि हमारे पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम कब होगी और एनर्जी मिनिमम कब है, या एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एनर्जी मैक्सिमम कब है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर एनर्जी मैक्सिमम हो तो याद रखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, क्योंकि डायरेक्टली है न्यू भी क्या होगा बेटा, न्यू ऑल्सो मैक्सिमम, न्यू भी क्या होगा मैक्सिमम, और न्यू अगर मैक्सिमम है तो उसे कंडीशन में जो लैम्डा होगा वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, दिस वन मिनिमम, वो मिनिमम क्यों मिनिमम हो रहा है, क्योंकि इन्वर्सली बन रहा है, ये मैक्सिमम इसलिए बन रहा है क्योंकि डायरेक्टली है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि भाई N1 क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो, N1 शुड बी लोएस्ट, जो N1 की वैल्यू है ये छोटी होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए, और N2 शुड बी हाईएस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, N2 शुड बी हाईएस्ट, क्या लिखा बेटा, N2 की जो वैल्यू बनेगी वो बड़ी होनी चाहिए, N1 छोटा होना चाहिए, N1 छोटा होना चाहिए, N2 बड़ा होना चाहिए, उस कंडीशन में जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम की आएगी, फ्रीक्वेंसी जो आएगी मैक्सिमम आएगी, लेकिन वेवलेंथ जो बनेगा वो मिनिमम का बनेगा। या सेकंड कंडीशन अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि एनर्जी को अगर आप क्या लिखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट एनर्जी, और इस एनर्जी को क्या लिखते हैं बेटा, मिनिमम अगर आप लिखना चाहते हैं, तो एनर्जी अगर मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बेटा, दिस वन ऑल्सो मिनिमम, फ्रीक्वेंसी को भी क्या होना, मिनिमम होना, लेकिन फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ, क्योंकि ये अगर ये मिनिमम हो जाए तो ये मैक्सिमम, तो जो हमारे पास वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ क्या होगा बेटा, वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम का होगा, लेकिन कब होगा, व्हेन, यहाँ लिखेंगे कि N1 शुड बी, जो N1 है इसके ऑपोजिट में बोल देंगे, यहाँ शुड बी लोवेस्ट लिखा था तो यहाँ लिखेंगे दिस वन शुड बी, और यहाँ लिख दिया बेटा हमने दिस वन हाईएस्ट, और N2 जो लिखेंगे बेटा दिस वन N2 शुड बी लोवेस्ट लिख देंगे, N2 शुड बी, और इसे क्या लिख देंगे, दिस वन लोएस्ट, ठीक है बेटा। या हम थोड़ा और ज़्यादा इसे लिखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो N2 है N2 इक्वल टू बनेगा N1+1 बनेगा, N1 प्लस क्या बनेगा, N1+1 बनेगा, या जिससे हम क्या बोलते हैं और करके हम बोलेंगे बेटा दिस वन क्लोजेस्ट टू N1, क्या होता है ये N1 के बिल्कुल नज़दीक होता है। ये जो दो पॉइंट मैंने आपको दिए हैं दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको बहुत क्लियरली आपकी समझ में आना चाहिए कि ये क्या बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम कब हो रही है, एनर्जी मिनिमम कब हो रही है, ये सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल पैटर्न बनता है, वो न्यूमेरिकल पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ गया लाइक दिस वन, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, और ये मैं लिखूंगा फॉर, यहाँ लिख देंगे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, और ए लिखेंगे बेटा दिस वन ए, एनर्जी विल बी मैक्सिमम, ठीक है बेटा। क्या कंडीशन इसकी दे रहा है ये, जैसे मान लो फर्स्ट इसने लिखा कि यहाँ हमारे पास जो ए बना, यहाँ इसे हम लिख देंगे लाइक दिस वन 2-3, या बी कंडीशन अगर मैं लिखता हूँ दिस वन 3-4, या सी की अगर बात करें यहाँ लिख दिया 2-4, या डी अगर लिखा तो यहाँ लिख दिया 3-5। अब ध्यान देंगे यहाँ इसने क्या बोला कि भाई एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, किस कंडीशन में जा करके एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पीछे मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, एनर्जी मैक्सिमम उस कंडीशन में होगी जब N1 क्या होगा शुड बी लोएस्ट, N1 छोटा होना चाहिए, और N2 क्या होना चाहिए हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये फाइंड आउट करो कि जितने भी वैल्यूज हैं इनमें से N1 छोटा किसका है, तो N1 एक ये वाली जो वैल्यू है ये N1 की है, और ये वाली वैल्यू N2 की है, ये N1 ये N2 ये N1 और ये N2 N1 और N2
एन वन किसका छोटा है, एन वन छोटा या तो एक इसके अंदर आ रहा है और इसके बाद एक एन वन छोटा इसमें आ रहा है, लेकिन एन टू क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट इसका यहाँ थ्री है, यहाँ कितना फोर है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बेटा, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, और जिसमें क्या लिखेंगे, टू टू फोर, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बना, आंसर बना। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन, किस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या होगी, या एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, या इसका जो बी वाला पार्ट है, अगर मैं इसे लिखूं कि लैम्डा विल बी मैक्सिमम, लैम्डा वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, ध्यान देंगे, अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। और एनर्जी मिनिमम होने के लिए अगर आप कंडीशन यहाँ पे देखें, बिल्कुल इस पहले वाले का अपोजिट आपको बताया था कि एनर्जी मिनिमम किस कंडीशन में होगी, लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, एनर्जी मिनिमम कब होगी, एन वन जब क्या होगा, हाईएस्ट, एन वन बड़ा होना चाहिए, और एन टू क्या होना चाहिए, शुड बी लोएस्ट होना चाहिए, एन टू क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, और अगर ये लोएस्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इस लोएस्ट को कैसे करके निकालते हैं, एन टू बराबर जो बनेगा एन वन प्लस वन बनता है, या क्लोजेस्ट टू क्या बनता है, एन वन बनता है। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ हमारे पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका पैटर्न जो आया दिस वन, यहाँ लिख दिया लाइक दिस वन, ये ए हो गया, इसकी ट्रांजिशन में दिखा रहा हूँ लाइक दिस वन सिक्स टू सेवन हो गया, या इसका बी दिखाएंगे फोर टू फाइव हो गया, या सी जो बन रहा है सिक्स टू नाइन हो गया, या डी जो बन रहा है दिस वन थ्री टू फोर हो गया। कंडीशन क्या है कि जो एन वन है उस एन वन को हाईएस्ट होना चाहिए, तो ध्यान देंगे बेटा एन वन हाईएस्ट, ये एन वन और एन टू की वैल्यूज हैं, ये एन वन हो गया और ये एन टू हो गया, दिस वन एन वन दिस वन एन टू, दिस वन एन वन दिस वन एन टू, दिस वन एन वन दिस वन एन टू, तो इसका जो आंसर बनेगा, आंसर को समझो आप, एन वन जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब आप यहाँ एन वन कितना फोर है, यहाँ एन वन थ्री है, यहाँ सिक्स है, यहाँ सिक्स है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा आंसर और ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एन वन इनका छोटा है, हाईएस्ट कहाँ पे आ रहा है, एन वन कितना हो गया सिक्स हो गया, और यहाँ पे एन वन कितना है सिक्स है, तो या तो ए आंसर बनेगा या तो सी बनेगा, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है कि एन टू क्या होगा, एन वन प्लस वन करेंगे एन टू निकालने के लिए, तो एन वन प्लस वन का मतलब सिक्स प्लस वन करेंगे तो सेवन आ गया, या ये भी बोला गया है कि जो एन टू होगा वो क्लोजेस्ट टू क्या होगा, एन वन होगा, जो एन वन है उस एन वन के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, दैट्स वाई आंसर क्या नहीं बनेगा, सी वाला हमारे पास आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा ए, दैट्स वाई इसका जो आंसर आया वो ए आया और सिक्स टू क्या बन गया, सेवन बन गया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बेटा आज जो टॉपिक मैंने आपको करवाया वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा, कैसे करके ऐसे न्यूमेरिकल पैटर्न को आप सॉल्व करते हैं जो एनर्जी से रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, आगे कोशिश करें कि आप लोग जितना कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारे की सारी चीज़ें आप तैयार करते रहें, तभी जा करके हम एक अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं और अच्छा जो फीडबैक है वो तभी बनेगा आपका। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू, आगे आप खूब मेहनत करते रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। ठीक है बेटा, वेल।